कर्नल इज दिस ग्रेगरी ब्रूस्टर्स, सो कहते हैं कि ये अंकल ग्रेगरी ब्रूस्टर का घर है. कॉर्पोरल यस सर दैट्स माई नेम, कहते हैं हाँ यही मेरा नाम है. कर्नल देन यू आर द मैन आई केम टू सी, सो कर्नल कहते हैं हाँ फिर आप ही हो जिसे मैं मिलने आया हूँ. कॉर्पोरल हु वॉज दैट सर, सो वो कहते हैं कौन था ये. कर्नल ग्रेगरी ब्रूस्टर वॉज हिज नेम. कॉर्पोरल आई एम द मैन सर, सो कॉर्पोरल कहते हैं हाँ मैं ही वही आदमी हूँ. कर्नल एंड यू आर द सेम ब्रूस्टर एज आई अंडरस्टैंड हुज नेम इज ऑन द रोल ऑफ द स्कॉट गार्ड्स एज हैविंग बीन प्रेजेंट एट द बैटल ऑफ वाटरलू, कहते आप वही हो ना जो स्कॉट्स गार्ड में जिनका नाम है और जो कि बैटल ऑफ वाटरलू में भी प्रेजेंट थे. कॉर्पोरल द सेम ब्रूस्टर सर, कहते हाँ मैं वही ब्रूस्टर हूँ. दो दे यूज़ टू कॉल इट द थर्ड गार्ड्स इन माई डे, कहते हमारे दिनों में इसको थर्ड गार्ड्स कहा जाता था, आजकल इसको स्कॉट्स गार्ड कहा जाता है. इट वॉज़ अ फाइन रेजिमेंट सर, कहते ये बहुत अच्छी रेजिमेंट थी. एंड दे ओनली वॉन्ट मी नाउ टू मेक अप अ फुल मास्टर, कहते पर बाकी सब अब ये चाहते हैं कि मैं उनका जो मास्टर है लिस्ट है उनकी वो कंप्लीट कर दूं. सो बेटे आपने पढ़ा था कि बाकी सब जो हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं ना, अंकल ने बताया था. अब अंकल ही हैं उस रेजिमेंट से ज़िंदा. सो वो कहते हैं कि अब वो चाहते हैं उनकी लिस्ट कंप्लीट हो जाए, कि मेरी भी डेट ऑफ डेथ आ जाए और उनकी लिस्ट कंप्लीट हो जाए, मास्टर कंप्लीट हो जाए. कर्नल चियरली, और अंकल को खुश करता है कर्नल, कहता चट चट दे विल हैव टू वेट ईयर्स फॉर दैट, कहता अभी तो बहुत साल उनको वेट करनी पड़ेगी अपना मास्टर कंप्लीट करने के लिए, आप तो बड़े लंबे साल जिंदा रहोगे. बट आई थॉट आई शुड लाइक टू हैव अ वर्ड विद यू, कहते पर मैं सोच रहा था मैं आपके साथ बात करूं. फॉर आई एम द कर्नल ऑफ द स्कॉट्स गार्ड, कहता मैं भी स्कॉट गार्ड्स में ही हूँ और कर्नल हूँ मैं. कॉर्पोरल स्प्रिंगिंग टू हिज फीट, अब बेटे वो देखो अंकल जो है वो कॉर्पोरल है और वो कर्नल है, उनसे हाई पोस्ट पे है, तो अंकल इस चीज़ को समझते हुए अपने पैरों पे खड़े होते हैं, उसे सल्यूट करने लगते हैं. स्टैगर्स अबाउट टू फॉल, पर इतने में क्योंकि ओल्ड हैं 96 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं, लड़खड़ा जाते हैं, गिरने लगते हैं. कर्नल एंड नोरा प्रिवेंट इट, और कर्नल नोरा आके उनको पकड़ते हैं गिरने से और रोकते हैं. और नोरा ऑन हिज लेफ्ट, नोरा उनके लेफ्ट साइड पे. कर्नल स्टडी स्टडी, सो कहते हैं ध्यान ध्यान से आराम से चलो. लीड्स ब्रूस्टर टू अदर चेयर, और उन्हें चेयर के पास लेके जाते हैं. इजी एंड स्टडी, कहता आराम से सो आप चलो. कॉर्पोरल सिटिंग डाउन एंड पेंथिंग, अब कॉर्पोरल अंकल बैठ जाते हैं चेयर पे और उनकी सांस फूलती हुई पेंटिंग जोर जोर से सांस लेते हैं. थैंक यू सर आई वॉज नियर गॉन दैट टाइम, सो कहता मुझे तो लगा था मैं चला जाऊंगा उस दिन, बचूंगा नहीं. बट लॉडी वाई आई कैन स्केर्स बिलीव इट, कहते पर मुझे विश्वास ही नहीं आता. टू थिंक ऑफ मी अ कॉर्पोरल ऑफ अ फ्लैंक कंपनी, और कहता सोचो मैं कॉर्पोरल हूँ फ्लैंक कंपनी का. एंड यू द कर्नल ऑफ द बटालियन, और आप एक कर्नल हो बटालियन के. आ लॉडी हाउ थिंग्स डू कम राउंड टू बी श्योर, कहते किस तरह चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में पता ही नहीं चलता. नोरा हेल्प्स हिम इनटू द चेयर राइट ऑफ टेबल, नोरा उनकी हेल्प करती है चेयर पे बैठने में टेबल के पास. कर्नल गेट्स बाय फायरप्लेस, सो कर्नल फायरप्लेस के पास जहाँ पे वार्म्थ है वहाँ पे बैठ जाता है. कॉर्पोरल दैट इज़ व्हाट द रीजेंट सेड, सो कॉर्पोरल फिर वही बात बताते हैं, कहते जो रीजेंट जो प्रिंस था उसने भी यही कहा था. द रेजिमेंट इज़ प्राउड ऑफ यू सेज ही, उसने कहा था रेजिमेंट को आप पे मान है. एंड आई एम प्राउड ऑफ द रेजिमेंट सेज आई, और कहते मैंने कहा था मुझे रेजिमेंट पे मान है. कर्नल एंड सो यू आर एक्चुअली ही, सो कर्नल कहता अच्छा सचमुच आप हो वो. कॉर्पोरल एंड अ डैम्ड गुड आंसर टू सेज ही, सो कॉर्पोरल कहते हैं और वहाँ पे उसने कहा था प्रिंस ने कि ये बहुत अच्छा आंसर दिया तुमने. कर्नल वाई वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू इन लंडन, सो कर्नल बताता है कि लंडन में सर हमें आप पे बहुत मान है. एंड सो यू आर एक्चुअली वन ऑफ द मैन हु हेल्ड हॉगुमेंट, कहता जो हॉगुमेंट जो विलेज वहाँ पे जो लड़ाई हुई वो अगर हम जीत पाए इंग्लैंड जीत पाया तो वो आप जैसे आप भी उनमें से एक हो जिनके कारण ये लड़ाई हम जीत पाए. नोरा सिट्स लेफ्ट ऑफ टेबल विद नीडल वर्क, अब नोरा बैठ जाती है कुछ सिलाई करने लगती है. टेक्स फ्रॉम हर बास्केट. कॉर्पोरल यस कर्नल आई वॉज एट हॉगुमेंट, कहते हाँ मैं वहाँ पे था लड़ाई में.
कर्नल वेल आई होप दैट यू आर प्रिटी कंफर्टेबल एंड हैप्पी. सो कर्नल पूछता है सर मैं सोचता हूँ कि आप आजकल सही हैं, कंफर्टेबल रह रहे हैं, खुश हैं. कॉर्पोरल थैंक यू सर आई एम प्रिटी बॉबिश व्हेन द वेदर होल्ड्स. कहते मैं बहुत अच्छा रहता हूँ, खुश, जब वेदर अच्छा होता है. एंड द फ्लाइज आर नॉट टू ऑडिशियस और मक्खियाँ भी इतना परेशान नहीं करती. आई हैव अ गुड डील ऑफ ट्रबल विद माई ट्यूब्स. कहते मुझे टीबी की प्रॉब्लम है काफ़ी. यू वुड नॉट थिंक द जॉब इट इज़ टू कट द फैलम. कहते अब इतनी बात नहीं है कि सिर्फ कफ को ख़त्म करना है. एंड आई नीड माई रैशंस और मुझे फूड भी टाइम पे चाहिए. आई गेट कोल्ड विदाउट देम. खाने के बिना मुझे ठंड बहुत लगती है. एंड माई जेंट्स दे आर नॉट एज दे यूज टू बी. और जहाँ तक मेरे मसल्स का सवाल है वो भी अब उतने नहीं हैं जैसे पहले थे. कर्नल हाउ इज़ द मेमोरी. सो कर्नल पूछता है सर आप फिजिकली वीक हो गए हो पर मेमोरी कैसी है आपकी. कॉर्पोरल ओह देयर इज़ नॉट एनीथिंग आई मिस हियर. कहते यहाँ पे तो कुछ भी मिस नहीं है मेमोरी में. व्हाई सर आई कुड गिव यू द नेम ऑफ एवरी मैन इन द कैप्टन हेल्डेंस फ्लाइंग कंपनी. और कहता मैं आपको एक एक पर्सन जो हमारी कंपनी में था उसका एक एक पर्सन का नाम बता सकता हूँ. मेमोरी में मेरी कोई फ़र्क नहीं आया. कर्नल एंड द बैटल यू रिमेंबर दैट. सो कर्नल कहता है और वो जो लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ वाटरलू वो आपको याद है. कॉर्पोरल वाई आई सी इट अफोर मी एवरी टाइम आई शट माई आइज. कहता अब भी जब कभी मैं आइज बंद करता हूँ तो वो लड़ाई मेरी आंखों के आगे आ जाती है. लॉडी सर यू वुड नॉट हार्डली बिलीव. कहता आप विश्वास नहीं करोगे हाउ क्लियर इट इज़ टू मी. कितनी क्लियर है वो बैटल ऑफ वाटरलू मेरे लिए. देर इज़ अवर लाइन राइट अलॉन्ग फ्रॉम द पैरागोरिक बॉटल टू द इनहेलर. कहता देखो सो अब बेटे कमरे की चीज़ों के हिसाब से बताने लगते हैं कि जैसे ये यहाँ था ये यहाँ था. सो कहते देर इज़ अवर लाइन. सो कहता हमारी लाइन थी राइट अलॉन्ग फ्रॉम द पैरागोरिक बॉटल. ये पेन किलर वाली बॉटल पड़ी है वहाँ से लेकर कहते जहाँ इनहेलर पड़ा है मेरा. सो ये देखो ऐसे ये हमारी लाइन थी. डू यू सी क्या तुम देख रहे हो. वेल देन द पिल बॉक्स इज़ फॉर हॉग्यूमेंट ऑन द राइट. और ये जो पिल बॉक्स दवाई वाला डब्बा पड़ा है ये हॉग्यूमेंट राइट साइड पे. वेयर वी वॉज एंड द थिम्बल फॉर द ले हे सेंट. और ये जो पड़ी है चीज़ थिम्बल सो ये यहाँ पे ले हे सेंट का था. एंड दैट इज़ ऑल राइट सर. सो ये था. एंड फिर सिर हिलाते हैं और उन्हें बड़ी तसल्ली हो जाती है कि मैंने सारी पोजीशंस बता दी. एंड हेयर आर द रिजर्व्स. और कहता है और यहाँ पे रिजर्व सोल्जर्स खड़े थे. हेयर वर आवर गन्स एंड अवर बेल्जियंस. और कहते हैं यहाँ पे हमारी गन्स थी बेल्जियंस खड़े थे. देन देयर इज़ द फ्रेंच. और यहाँ पे फ्रेंच सोल्जर्स थे. वेयर आई पुट माई न्यू पाइप. कहते जहाँ पे ये मैंने अपनी न्यू पाइप रखी है यहाँ पे फ्रांस के फ्रेंच सोल्जर्स थे जो नेपोलियन के साथ थे. एंड ओवर हीयर वेयर द कफ ड्रॉप्स आर. और कहते जहाँ पे ये मेरी कफ ड्रॉप्स गिरी हैं वर द प्रूसियंस कमिंग अप ऑन अवर लेफ्ट फ्लैंक जिमिनी. सो कहते यहाँ पे हमारे लेफ्ट पे यहाँ प्रूसियंस थे. सो इस तरह से था बट जिमिनी बट इट वॉज अ ग्लैड साइट टू सी द स्मोक ऑफ देयर गन्स. सो कहते बड़ा अच्छा एक सीन था और गन्स की जो स्मोक थी गोलियां चलने से जो धुएं की स्मेल थी वो आ रही थी. नोरा हेल्प्स हिम इनटू चेयर. नोरा उन्हें फिर चेयर पे बिठाती है. कर्नल एंड व्हाट वाज इट दैट स्ट्रक यू मोस्ट नाउ इन कनेक्शन विद द होल अफेयर. कर्नल पूछता है सर वो कौन सी चीज़ है जो आप सब आपको बहुत स्ट्राइक की इस सारे मामले में. कॉर्पोरल आई लॉस्ट 3 हाफ क्राउन्स ओवर इट. आई डिड. सो कहता मेरे थोड़े से 3 हाफ क्राउन्स गुम हो गए थे. इतनी कमनी मेरी गुम हो गई थी उस लड़ाई में. आई शुड नॉट वंडर इफ़ आई वर नेवर टू गेट दी मनी नाउ. कहते मुझे हैरानी नहीं होगी अगर कि ये मनी अब मुझे वापस नहीं मिलेगी. आई लेंड देम टू जेम्स स्मिथ. कहते मैंने ये मनी जो है जेम्स स्मिथ को दी थी. माई रियर फ्लैंक मैन एट ब्रूसल्स. जो कि ब्रूसल्स में मेरे पीछे रैंक का आदमी था ग्रेग सेज ही. सो कहता उसने कहा था ग्रेग आई पे यू ट्रू. कहता मैं सचमुच तुम्हें ये वापस कर दूंगा. ओनली वेट टिल पे डे. पर सिर्फ तुम पे डे तक जिस दिन पे मिलेगी उस दिन तक वेट करो. बाय जिमिनी ही वॉज स्ट्रक बाय अ लैंसर एट द क्वार्टर ब्रास. कहता ओ गॉड पर उसको लड़ाई में वो क्वार्टर ब्रास में मारा गया. एंड मी विदाउट अ लाइन टू प्रूव द डेप्थ. अब कहता मेरे पास आगे कोई भी नहीं है
जिसे मैं कहूँ कि मेरी जो डेप्ट मेरा जो कर्जा था वो चुका दे. देन देम थ्री हाफ क्राउन्स इज एज गुड एज लॉस टू मी. सो कहते मेरे थ्री हाफ क्राउन्स अब ऐसे ही हैं जैसे कि ख़त्म हो गए. सो वो मनी मुझे वापस नहीं मिली. कर्नल लाफिंग, कर्नल हंसने लगता है. द ऑफिसर्स ऑफ द गार्ड्स वॉन्ट्स यू टू बाय योर सेल्फ सम लिटल ट्रिफल सम लिटल प्रेजेंट विच मे ऐड टू योर कम्फर्ट. सो कर्नल हंसते हुए कहता है, कहता सर जो ऑफिसर्स हैं स्कॉट्स गार्ड्स के वो चाहते हैं कि आप अपने लिए कुछ गिफ्ट खरीदो हमारी तरफ से, कुछ छोटा सा प्रेजेंट खरीदो जिससे आपका कम्फर्ट आपकी लाइफ और कम्फर्टेबल हो. इट इज़ नॉट फ्रॉम मी. सो कहता है ये गिफ्ट मेरी तरफ से नहीं है. सो यू नीड नॉट थैंक मी, मुझे आपको थैंक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो स्लिप्स अ नोट इनटू द ओल्ड मैनस बैकी पाउच. फिर एक नोट उनके बैकी वाले पाउच में टोबैको वाले पाउच में डाल देता है. क्रॉसेस टू लीव और फिर आगे जाना चाहता है. कॉर्पोरल थैंक यू काइंडली सर. कॉर्पोरल उसका थैंक्स करता है गिफ्ट के लिए. बट देयर इज़ वन फेवर आई वुड आस्क यू कर्नल. कहते पर मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ कर्नल. कर्नल यस कॉर्पोरल व्हाट इज़ इट. कहते हाँ बताओ सर क्या फेवर चाहते हैं. कॉर्पोरल इफ़ आई एम कॉल्ड कर्नल यू वॉन्ट ग्रज मी अ फ्लैग एंड अ फायरिंग पार्टी. सो कहते अगर मुझे कर्नल कहा जाए तो कहता तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर एक फ्लैग और फायरिंग पार्टी मेरे कॉफिन के पीछे हो. आई एम नॉट अ सिविलियन आई एम अ गार्ड्समैन. कहते अब मैं कोई आम आदमी आम सिविलियन तो नहीं हूँ, मैं भी एक गार्ड्समैन हूँ. I should like to think as two lines of bear skins would be walking after my coffin. So कहते तो जब मेरा coffin हो मेरी dead body के पीछे जो है two lines of bear skins. So दो lines हो जो मुझे भी पीछे उन firing party. So ये सम्मान मुझे भी death के time मिले जो एक colonel को मिलता है. Colonel, all right, corporal, I'll see to it. सो कर्नल कहता है ठीक है कॉर्पोरल मैं इसके बारे में सोचूंगा. कॉर्पोरल सिंक्स बैक इन हिज चेयर. फिर वो भी बैठ जाता है चेयर में आराम से. आई फियर दैट आई हैव टायर्ड हिम ही इज़ अस्लीप आई थिंक. सो फिर कहता है कि तो मुझे डर लग रहा है मैंने अंकल को थका दिया वो सो गए हैं मुझे लगता है. गुड बाय माई गर्ल एंड आई होप दैट वी मे हैव नथिंग बट गुड न्यूज़ फ्रॉम यू. सो उसे बाय करता है नौरा को. कहता गुड बाय और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तरफ से हमें गुड न्यूज़ मिलेगी और कुछ नहीं. सो इतना कह के वो कर्नल जाने लगता है. नौरा थैंक यू सर आई एम श्योर आई होप सो टू. सो कहती हाँ सर मैं भी सोचती हूँ कि मैं अंकल की अच्छी केयर कर पाऊँ और गुड न्यूज़ मिले. अंकल अंकल. सो फिर कहती अंकल यस आई सपोज ही इज़ अस्लीप पर अंकल सो चुके हैं. बट ही इज़ सो ग्रे एंड थिन दैट ही फ्राइटन्स मी. कहती है कहती पर अंकल इतने ज़्यादा थिन लग रहे हैं इतने ग्रे कमज़ोर से लग रहे हैं. कहती मुझे डर लग रहा है. ओ आई विश आई हैड समवन टू एडवाइस मी. कहती पर मैं सोचती हूँ काश कोई यहाँ होता मुझे बताता कि अंकल को क्या चाहिए वो ऐसे क्यों लग रहे हैं मुझे सलाह देता. फॉर आई डोंट नो वैन ही इज़ इल एंड वैन ही इज़ नॉट. कहती क्योंकि मैं भी बच्ची हूँ मुझे नहीं पता चलता अंकल कब ठीक हैं कब बीमार हैं. एंटर सर्जियन मैकडोनल्ड अब्रप्टली. इतने में सर्जियन मैकडोनल्ड एकदम से अब्रप्टली सडनली आ जाता है. सर्जियन गुड डे मिस. सो सर्जियन दोबारा आ जाता है फिर गुड डे मिस उसको विश करता है. हाउ इज़ द ओल्ड जेंटलमैन. सो कहते अब अंकल कैसे हैं. नौरा ओ ही इज़ अस्लीप आई थिंक. कहती मुझे लगता है वो सो गए हैं. बट आई फील क्वाइट फ्राइटन्ड अबाउट हिम. कहती पर मुझे बहुत डर लग रहा है उसको. सर्जियन गोइंग ओवर टू हिम. सर्जियन उनके पास जाता है. येस ही डोंट लुक एज इफ ही वर लॉन्ग फॉर दिस लाइफ डू ही. सो कहते हैं हाँ लगता ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा जिंदगी उनकी बची है. मे बी अ स्लीप लाइक दिस ब्रिंग्स स्ट्रेंथ टू हिम. सो हो सकता है कि ऐसी गहरी नींद उनमें थोड़ी सी ताकत पैदा कर दे. नौरा ओ आई डू होप सो. कहती हाँ मैं भी ये सोचती हूँ. सर्जियन आई विल टेल यू व्हाई आई केम बैक सो क्विक. सो सर्जन कहता मैं मिस आपको बताता हूँ कि इतनी जल्दी मैं वापस कैसे आ गया. आई टोल्ड देम अप एट द बैरिक्स. कहता जब छावनी जाके मैंने उन्हें बताया दैट आई हैड गिवन हिम अ पाइप कि मैंने अपनी पाइप उन्हें गिफ्ट की है. एंड द अदर्स दे वांटेड टू बी इन टू. तो कहता दूसरे भी कुछ देना चाह रहे थे इनको. सो दे पास्ड राउंड यू अंडरस्टैंड. सो कहता उन्होंने कलेक्शन की
एंड मेड अप अ पाउंड ऑफ बैकी. सो उन्होंने क्या था, मैंने पाइप दी थी, उन्होंने ये टोबैको का जो पाउंड दिया है. इट्स अ लॉन्ग कैवेंडिश विद प्लेंटी ऑफ बाइट टू इट. और कहता है ये लॉन्ग वाले फ्लेवर वाला है और इसका बहुत बड़ा प्लेंटी ऑफ बाइट इसकी आप ले सकते हो. सो नोरा, हाउ काइंड ऑफ यू टू थिंक ऑफ हिम. सो कहती है सर्जेंट आप कितने नाइस हो, आप अंकल के बारे में इतना सोचते हो. सर्जेंट डू यू ऑलवेज लिव विद हिम. सर्जेंट पूछते हैं आप हमेशा उसके साथ रहती हो. नोरा नो आई ओनली केम दिस मॉर्निंग. कहती नहीं मैं तो आज ही आई हूँ. सर्जेंट वेल यू हैव नॉट टेकन लॉन्ग टू गेट स्ट्रेट. सर्जेंट कहता पर आपने ज़्यादा समय नहीं लगाया यहाँ सेट होने में. नोरा ओ बट आई फाउंड एवरीथिंग इन सच अ मेस. कहती पर मुझे लग रहा था हर चीज़ यहाँ इतनी बिखरी हुई है. व्हेन आई हैव टाइम टू माई सेल्फ आई विल सून गेट इट नाइस. कहती पर मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं ये सब कुछ ठीक करूँगी घर में. सर्जेंट दैट साउंड्स लाइक मार्चिंग ऑर्डर्स टू मी. सो सर्जेंट कहता मुझे लगता है आप मुझे जाने के लिए कह रही हैं, ऑर्डर दे रही हैं. नोरा ओ हाउ कुड यू थिंक सो. कहती नहीं तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो. सर्जेंट टेल मी मिस हैव यू एवर बीन ओवर अ बैरिक. सो सर्जेंट कहता है मिस मुझे बताओ क्या आप कभी छावनी गई हैं. नोरा नो आई हैव बीन ऑन द फार्म ऑल माई लाइफ. कहती नहीं मैं तो अब पूरी जिंदगी खेतों में काम करती रही हूँ. सर्जेंट वेल मे बी वेन ही कम्स अप यू वुड कम विथ हिम. सो कहते जब अंकल आएंगे हमारी छावनी में नॉन कमीशनड मेस में आप भी आना. आई वुड लाइक टू शो यू ओवर. मैं आपको दिखाना चाहूँगा. नोरा आई एम श्योर आई वुड लाइक टू कम. नोरा कहती है श्योर मैं भी आना चाहूँगी. सर्जेंट वेल विल यू प्रोमिस टू कम. सर्जेंट पूछते हैं क्या आप प्रोमिस करती हैं कि आप हमारे उधर कैंटोनमेंट आएंगी. नोरा लाफिंग सो हंसने लगती है. यू सीम क्वाइट अर्नेस्ट अबाउट इट. कहती तुम बहुत सिंसियर लग रहे हो इस इन्विटेशन के बारे में. सर्जेंट वेल मे बी आई एम. कहता हाँ शायद मैं हूँ. नोरा वेरी वेल आई विल प्रोमिस टू कम. कहती ठीक है मैं वादा करती हूँ आने का. सर्जेंट यू विल फाइंड अस रफ एंड रेडी. सो सर्जेंट कहता पर आप हम आपको लगेगा कि हम बहुत रफ हैं पर हम रेडी होंगे आपको रिसीव करने के लिए. नोरा आई एम श्योर इट विल बी वेरी नाइस. सो नोरा कहती है मैं श्योर हूँ ये बहुत अच्छा रहेगा वहाँ पे आना. सर्जेंट नॉट क्वाइट व्हाट यंग लेडीज़ आर अकस्टम टू. सर्जेंट कहता पर ऐसा कुछ नहीं होगा जैसी यंग लेडीज़ को हैबिट होती है. नोरा बट आई एम नो यंग लेडी. सो नोरा कहती है मैं अभी इतनी यंग लेडी भी नहीं हूँ. आई हैव वर्कड विद माई हैंड्स एवरी डे दैट आई कैन रिमेंबर. कहती मैं तो हाथों से काम करने वाली लड़की हूँ मैं कोई इस तरह फैशनेबल यंग लेडी नहीं हूँ. कॉर्पोरल इन अ लाउड वॉइस. सो कॉर्पोरल इतने में बेटे सर्जेंट और नोरा बात कर रहे हैं इतने में कॉर्पोरल अंकल जो सो रहे थे ना चेयर पे वो एकदम बोलने लगते हैं नींद में लाउड वॉइस में. द गार्ड्स नीड पाउडर द गार्ड्स नीड पाउडर एंड स्ट्रगल्स टू राइज. और कहते हैं जैसे कोई उन्हें सपना आया हो गार्ड्स को पाउडर चाहिए गार्ड्स को पाउडर चाहिए फिर कोशिश करते हैं उठने की. नोरा ओ आई एम सो फ्राइटन्ड. नोरा कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है. कॉर्पोरल स्ट्रगलिंग इन हिज फीट. कॉर्पोरल फिर लड़खड़ाते हैं पैर उनके. सडनली फ्लैशिंग आउट इन टू हिज ओल्ड सोल्जरली फिगर. और अचानक वो अपनी पहले जैसी सिपाही वाली उसी तरह के रूप में आ जाते हैं. द गार्ड्स नीड पाउडर एंड बाई गॉड दे शैल हैव इट. कहते गार्ड्स को पाउडर चाहिए और बाई गॉड उन्हें ये पाउडर जरूर मिलेगा. फॉल्स बैक इन टू चेयर. और ये कह के दोबारा चेयर पे गिर जाते हैं. नोरा एंड द सर्जेंट रश टूवर्ड्स हिम. नोरा और सर्जेंट भाग के जाते हैं अंकल की तरफ. नोरा सॉबिंग. नोरा रोने लगती है. ओ टेल मी सर टेल मी व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम. नोरा कहती है सर्जेंट मुझे बताओ तुम क्या सोचते हो अंकल के बारे में. सर्जेंट ग्रेवली बहुत सीरियसली वो जवाब देता है. आई थिंक द थर्ड गार्ड्स हैव अ फुल मस्टर नाउ. कहता आज थर्ड गार्ड्स की लिस्ट जो थी वो उनका मस्टर पूरा हो गया आज कि आज अंकल भी अब इस दुनिया से जा चुके हैं. ही इज़ नो मोर. सो दैट वे बेटा दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द प्ले. और इसमें जो कॉर्पोरल थे अंकल 96 ईयर्स ओल्ड थे. सो नोरा उनके घर आती है उनकी केयर करने और सर्जेंट आते हैं उनसे मिलने फिर कर्नल आता है उनसे मिलने है ना. सो बाइबल भी पढ़ के सुनाने लगती है नोरा उनको पर अचानक अंकल को नींद आ जाती है और नींद में ही खड़ी हो जाती है एंड अल्टीमेटली ही डाइस.
So this is the story, beta. If you have any problem in this story, in this play, you can ask me in the comment section. Thank you.